हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुबे और आप देख रहे हैं फोटो एडिटिंग चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की रिंग लाइट फोटो एडिटिंग। देख सकते हैं बहुत ही यूनिक से यहाँ पे हमारी एडिटिंग होने वाली है, क्योंकि जो रिंग लाइट फोटो एडिटिंग आपने देखा होगा कि वो दूसरे कलर की मतलब व्हाइट कलर की रहती है, यहाँ पे हमारे जो स्काई ब्लू वाली होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। कुछ इस टाइप से ऐसे क्लिक करवा लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा जैसे आप लोग अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आप लोग को बैकग्राउंड यूज कर लेना है। यहाँ पे मैंने पहले करके रख लिया हूँ, अगर आप लोग को नहीं मिलता तो आप लोग को ऊपर मैं अभी आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कर लीजिएगा आप लोग। और रिलीज करने के बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ से चले आना है अपने पिक्सार ऐप में। तो यहाँ पे हम लोग चले आते हैं अपने पिक्सार ऐप में। तो पिक्सार ऐप में आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन में क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोग को ब्लैक कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ टूल्स में आते हैं, यहाँ क्रॉप में जाके आप लोग को ऐसे 3-4 साइज में, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं डन। फिर टूल्स में आके आप लोग को रिसाइज में क्लिक करके यहाँ इसका अमाउंट यहाँ पे बढ़ा लेना है, रिसाइज कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रिसाइज और उसके बाद यहाँ कर लेंगे डन और यहाँ पे भी डन, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में आने के बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे अपने मॉडल को ले आना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे PNG मैंने ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसे ऐड कर लेंगे हम लोग। और अगर इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा आप लोग, तो ड्रॉ टूल में भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लोग इसे ऐड कर लिए हैं। और इसके बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बेस भी कर लीजिएगा नीचे के साइड में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग इसकी ऑपोजिट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ थोड़ा थोड़ा रेस कर लेते हैं नीचे के साइड से, और यहाँ ऊपर के साइड से भी थोड़ा सा रेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को रेस कर लेना है और यहाँ पे कर लेना है डन। और डन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे डन कर लेते हैं, क्योंकि मतलब और PNG हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइड हो जाएगी PNG और हमारी अच्छे से एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो फिर से हम लोग जाते हैं अपने ऐड फोटो में और एक PNG मतलब एक फोटो मिल जाएगी आप लोग को यहाँ पे। तो इसका क्या है, ब्लेंडिंग मोड आप लोग को चेंज कर लेना है। तो क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ब्लेंडिंग मोड में और इसका स्क्रीन कर लेना है और इसे आप लोगों को कुछ इस टाइप से लगा लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को इसे अपने यहाँ पे इस टाइप से लगा लेना है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे इरेजर में जाना है और इरेजर में जाने के बाद यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ साइज करके इस टाइप से और आप लोग को यहाँ पे रेस कर लेना है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो सब वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. तो वहाँ पे मैंने डन कर लिया था। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है और यहाँ से चले आना है अपने स्नैपसीड ऐप में, ठीक है। तो हम लोग चले आते हैं अपने स्नैपसीड ऐप में। तो स्नैपसीड ऐप में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपनी फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये रही हमारी फोटो, इसको आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करना है। तो यहाँ पे जाना है पेंसिल के आइकॉन में, यहाँ पे आप लोग को सिलेक्टेड टूल में जाना है और यहाँ पे अपने फेस में से ले लेना है और ऐसे करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसका सैचुरेशन यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका जो हमारी ब्राइटनेस है उसे यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे कर ली हूँ, इसे नीचे के साइड में कर लेते हैं। और ऐसे करने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं डन, ठीक है। और भी हम लोग यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं इसका, तो और भी बढ़िया लगेगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग और लेते हैं और यहाँ पे नीचे की साइड से बढ़ाते हैं इस बार, तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया फिर, जैसे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसके बाद यहाँ पे जाता हूँ सेलेक्टेड टूल में, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गंदा सा लग रहा है, ठीक है। तो इसकी ब्राइटनेस हम लोग बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही फोटो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डॉट एंड बर्न इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे जाना है साइकॉन में, ठीक है, यहाँ पे ब्रश में। और उसके बाद यहाँ पे डॉट कर लेना है आप लोग को, यहाँ पे 10-5% यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, 5 करके। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को अपनी यहाँ पे नोज में कर लेना है और कुछ इस टाइप से ऐसे कर लीजिएगा अपने फेस में, और थोड़ा थोड़ा आप लोग कर लेना है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा प्रॉपर आप लोग को डॉच नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग कर लेना है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा आप लोग को ऐसे लाइट यहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रही है उस टाइप से आप लोग को यहाँ पे करना है, जैसे कि यहाँ पे लाइट आ रही है तो उस टाइप से आप लोग को यहाँ पे अपने फेस में अप्लाई करना है, जहाँ पे ज़्यादा आएगी तो उस टाइप से आप लोग देख देख के करते जाना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे कर लिया हूँ और आप लोग देखते जाना है और भी करते जाना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी आईज में भी कर लेंगे।
तो इस तरह से आप लोग देख देख के कर लेना है, बहुत ही बढ़िया आपकी फोटो एडिट हो जाएगी, आप लोग देखिएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी फोटो लग रही है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एडिट कर ली है, और भी आप लोग एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फिर से अपने ब्रश में आके और इसका जो है बर्न में मतलब करके, और यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप से ऊपर के साइड में ऐसे कर लेना है, यहाँ देखने इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी टी शर्ट है, ठीक है, जो भी है, तो इसकी हम लोग क्या है सैचुरेशन कम कर लेते हैं, यहाँ पे जो वाइट कलर की यहाँ पे स्ट्रिप्स हैं क्या है जी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं इसका जो सैचुरेशन है इसको कम कर लेंगे, और यहाँ पे भी साइड का भी एक मटर की है इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसकी भी हम लोग सैचुरेशन यहाँ पे कम कर लेते हैं। तो आप लोग को अपने फोटो को देखते जाना है और भी आप लोग को एडिट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे कर लिया हूँ मैंने, और उसके बाद ये मैंने आप लोग को थोड़ा सा मैं इसकी मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ कॉन्ट्रास्ट है तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, हाईलाइट्स बढ़ा लेते हैं और शैडोज को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि और कम करोगे तो ये ब्लू सा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स भी बढ़ा सकते हो अगर आप लोग को बढ़ाना है, तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़े से डार्क भी मिटा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग उसे मिटा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तेल है, ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, तो फोटो अच्छी लगेगी हमारी। कुछ इस टाइप से हम लोग इसे कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी हो जाएगी एडिटिंग, ठीक है। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे काम, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी फोटो लग रही है। और भी है तो आप लोग और भी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लाइटरूम ऐप की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आप लोग यहीं पे एडिटिंग कर सकते हो, देख लीजिएगा। अगर आप लोग को करना है तो आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं अपनी लाइटरूम ऐप में, तो भी आप लोग की और भी बढ़िया फोटो एडिट लगेगी। तो एक काम और कर लीजिएगा, ऊपर के साइड में ना मतलब आप लोग को ज़्यादा लाइट नहीं करना है, ठीक है, मतलब वहाँ पे लाइटिंग मतलब नहीं आ रही है, तो यहाँ पे फेस के नीचे के साइड में थोड़ा थोड़ा लाइट ज़्यादा कर लीजिएगा, तो आप लोग की फोटो एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं अपनी फोटो को, और सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहीं तक हमारा